अध्यक्ष मंडली के साथियों, मंचासीन विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेतागण और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हमारे जुझारू इनकलाबी मजदूर साथियों, आप सबों को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन की ओर से मैं इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। साथियों, ये मजदूरों का जनसैलाब आज संसद के सामने मोदी जी को ये कहने आई है कि ये मोदी की जो मजदूर विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है। यहाँ पर ये मजदूरों का जनसैलाब आया है अपनी 12 सूत्री मांगों को हासिल करने के लिए। ये जनसैलाब आया है कि हमें हमारा हक चाहिए। हमारा हक लूटकर तुम जो हिंदुस्तान के कॉरपोरेट घरानों को, अडानी अंबानी को जो तुम फायदा पहुंचा रहे हो, वो हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग नहीं होने देगा। हमें हमारा हक चाहिए। दोस्तों, ये मोदी की सरकार लुटेरों की सरकार है। मजदूरों का हक लूटकर, मजदूरों का रोजगार विनाश करके, कभी नोटबंदी लागू करके लाखों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार का विनाश करती है, तो कभी GST लागू करके मजदूरों के रोजगार का विनाश करती है, और भाईचारे को बांटने के लिए नागपुर से जो फतवा जारी होता है, लोगों को जाति और धर्म पर बांटने का काम करती है। तो मजदूरों का ये जनसैलाब, मोदी जी आपको ये कहने आया है कि हमारा भाईचारा, हम एक हैं, हिंदुस्तान का मजदूर एक है, हिंदुस्तान का मजदूर एक रहेगा। यह हिंदुस्तान संप्रदायवाद और जातिवाद में नहीं बटेगा, भगवादारी नहीं बनेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान के किसानों का है, हिंदुस्तान के मजदूरों का है, हिंदुस्तान के छात्र नौजवानों का है। साथियों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ ये मोदी सरकार अन्याय कर रही है। निर्माण मजदूर जो 4.5 करोड़ इस देश में हैं, साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो पूरे श्रम शक्ति का 93% है, उसके लिए जितने भी केंद्रीय कानून बने, किसी भी केंद्रीय कानून को तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। निर्माण मजदूरों के लिए 96 में केंद्रीय कानून बना, सभी राज्यों में आज तक आज भी वो लागू नहीं हो पाया। लागू भी है तो आधा अधूरा। और अभी CAG की एक रिपोर्ट आई कि 29,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 10% निर्माण मजदूरों पर खर्च किए गए हैं, और उन पास राशि से वॉशिंग मशीन, उस राशि से लैपटॉप, प्रशासनिक कार्यों में खर्च हो रहे हैं, मौज मस्ती में खर्च हो रहे हैं। निर्माण मजदूरों की जो हक है उसका लूट किया जा रहा है। यहाँ पर आए हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर ये कहने के लिए कि 2008 में तुमने असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए कानून बनाया, लेकिन आज तक वो कानून हिंदुस्तान में कहीं लागू नहीं हो पाया। एक भी पैसे का तुम बस्ती प्रावधान हिंदुस्तान के 93% मजदूरों के लिए नहीं करते हो। भारत का मजदूर वर्ग और असंगठित क्षेत्र का मजदूर इसे कतई सहने के लिए तैयार नहीं है। हम मोदी सरकार को ये कहने आया है ये जनसैलाब कि हम लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई ये हक की लड़ाई है। तुम हमारे हक को जो लूटने का काम कर रहे हो, हमारे जो रोजगार का विनाश कर रहे हो, हमें जो तुम न्यूनतम मजदूरी जो 18,000 रुपये की हमने मांग की है, न्यूनतम पेंशन, हमारे सामाजिक सुरक्षा का सवाल, हमारे स्वास्थ्य के सुरक्षा का सवाल, हमारे खाद्य के सुरक्षा का सवाल, हमारे शिक्षा के सुरक्षा का सवाल, इन तमाम चीज़ों पर जो तुम हमले कर रहे हो, ये जंग तुमने छेड़ा है, मजदूरों पर तुमने हमला किया है, और मजदूर वर्ग आज यहाँ संसद के सामने तुम्हारे हमलों का जवाब देने आई है कि हम तुम्हारे हमलों का प्रतिरोध करेंगे। हम हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से लेकर के हिंदुस्तान की संसद में इकट्ठा होकर के लड़ेंगे। और जब मजदूर वर्ग जागा है मोदी जी, और मजदूर वर्ग अगर जग जाएगा, तो आपकी ये झूठ फरेब, आपकी ये जुमलेबाजी, आपकी ये लोगों को ठगने का काम, लोगों से झूठ बोल करके, लोगों को सपना दिखा करके, लोगों को ठगने का काम, ये नहीं चलेगा। और भारत का मजदूर वर्ग भारत के किसानों के साथ मिलकर के आपके इस हथकंडे को नहीं चलने देगा। साथियों, ये जनसैलाब यहाँ पर आया है ये चेतावनी देने के साथ साथ
ये संकल्प लेने के लिए कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, हम शोषण विहीन भारत का निर्माण करेंगे, हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हम मजदूर हों, मजदूरों का भारत होगा, किसानों का भारत होगा, छात्र नौजवानों का भारत होगा, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस पूंजी के जुए को, जिस पूंजी के पक्ष में मोदी जी ने मजदूरों पर हमला किया है, जिस पूंजी के पक्ष में मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, मजदूरों के तमाम ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुचलने की साजिश की जा रही है, मालिक पक्षी श्रम कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए भारत का मजदूर वर्ग यहाँ आया है कि हम इस पूंजी के जुए को उतार फेंकेंगे और इस मुक्ति संग्राम, मजदूरों का जो मुक्ति का संग्राम है, हमारी मातृभूमि का जो मुक्ति का संग्राम है, हम उसे में लड़ेंगे। हम भारत को सांप्रदायिक फांसीवाद और भारत को कॉरपोरेट फांसीवाद का प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर के यहाँ से मजदूर वर्ग जाएगा। साथियों, हमारी ये लड़ाई चलेगी और इसके साथ ही भारत के तमाम संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम किसान, हिंदुस्तान के छात्र नौजवानों के तबकों की भी लड़ाई जारी है। 20 तारीख को हिंदुस्तान के किसान यहां पर जमा होंगे और हिंदुस्तान के किसानों का संघर्ष चलेगा। हम इस मंच से हिंदुस्तान के किसानों का जो आंदोलन है, जिस मांगों के लिए हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं, उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। भारत का मजदूर वर्ग भारत के किसान के आंदोलन के साथ है। हम कंधा में कंधा मिलाकर लड़ेंगे, हम जीतेंगे। साथियों, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आइए इस संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएंगे, भारत की तकदीर को बदलेंगे, भारत की तस्वीर को बदलेंगे। इस संकल्प के साथ हम निकलेंगे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों का मैं पुनः ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन और AICCTU ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज।